दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से कमेंट ये आ रहा था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मेरा जो है क्यूआर कोड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हम किसी को क्यूआर कोड दे रहे हैं तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और दूसरा सवाल ये भी आ रहा था, क्या हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम में क्यूआर कोड की मदद से स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं? तो आज इस दोनों सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम में स्कैन करके कैसे भेजा जाता है। जैसे कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और यहाँ पे हम जो है स्कैनिंग पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होम पेज है और स्कैन एंड पे का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पेटीएम का है, यहाँ पर देखिए स्कैनिंग हो रहा है। स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे आप जैसे ही स्कैनिंग करेंगे पेटीएम का क्यूआर कोड और कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे और रिमार्क में आप कुछ भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे और कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी दे चुके हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन जो है कि पेटीएम में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन करके उसमें पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए होम पेज पे आते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं फोन पे। तो होम पेज पे आ जाते हैं, पे एंड स्कैन पे क्लिक करेंगे फिर से और हम अब आपको बताने वाले हैं कि जो है अब फोन पे का क्यूआर कोड कैसे स्कैन करते हैं। तो गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हम अपने प्रोफाइल में आ जाते हैं। प्रोफाइल में आने के बाद ये रहा मेरा फोन पे का, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे मेरा स्कैनिंग हो रहा है। यहाँ और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे और रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और रिव्यू पे जाएगा कन्फर्मेशन, तो कन्फर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओटीपी दे चुके हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपका जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जो है आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से स्कैन करके भेज सकते हैं, फ़ोन पे में भी पैसा आप भेज सकते हैं। तो ये दोनों आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। आपने दो सवाल किया था कि क्या हम पेटीएम का क्यूआर कोड अगर स्कैन करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा चला जाएगा? जी बिल्कुल चला जाएगा। और ये भी आप सवाल किए थे, क्या हम फोन पे का क्यूआर कोड स्कैन करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन के माध्यम से उसके स्कैन करके पे करेंगे तो पैसा जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्यूआर कोड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन पे ऊपर में आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स में आपको आना है। प्रोफाइल डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल डिटेल निकल जाएगा और इस पेज को आप ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका क्यूआर कोड निकल चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। और यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद यहाँ पे आप किसी को भी व्हाट्सअप, जिसको भी जिसमें आपको शेयर करना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं। अगर वो स्कैन करके यहाँ पे आपको पैसा भेजता है तो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आ जाएंगे। और चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं, जो है पेटीएम एप्लीकेशन में इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा डालेंगे क्यूआर कोड की मदद से। तो चलिए हम यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपना इंटरफेस खोल लेंगे और खोलने के बाद यहाँ पे स्कैन एंड पे पे जाएंगे और स्कैन एंड पे पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है और यहाँ पर हम क्यूआर कोड के सामने लाएँगे। तो जैसे ही लाएँगे यहाँ पर सर्चिंग होगा। सर्चिंग होने के बाद देखिए आ चुका है। आप यहाँ पर पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि आप यहां पे बहुत सारा चीज़ यहां पे जो है आपको सवाल जो उठ रहा था यहां पे क्लियर हो चुका है कि हम जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो क्यूआर कोड किसी को भी शेयर करेंगे क्या वो हमें गूगल फोन पे पेटीएम उससे पैसा भेज सकता है? जी बिल्कुल भेज सकता है। तो यहां पे सारा
डाउट क्लियर आपको हो चुका होगा। तो अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है, कुछ भी नॉलेज मिला होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।